गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका उर्दू ए का जो बोर्ड का पेपर आया है ये सेट आपका फाइव ए है ठीक है तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट सारे सेम ही थे है ना तो ये आपका उर्दू ए है तो चलिए इसे शुरू करते हैं देखते हैं आपने क्या किया है क्या नहीं ये बेटा मैं आपको सारे आंसर्स अपनी तरफ से बताऊँगी ठीक है ये कोई ऑफिशियल की नहीं है ये सिर्फ मैं आपको अपने आंसर्स बताऊंगी ताकि आप मैच कर सकें कि आप कितना सही करके हैं और कितना गलत तो चलिए शुरू करते हैं पहले आपको कुछ आम हिदायत दी गई हैं उन हिदायत के बाद अगर हम बात करें तो पहला हिस्सा आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है जिसमें आपको ये पहला अतबास दिया गया है ये आपका गैर दरसी अकतेबास है है ना पाँच नंबर का है उम्मीद करती हूँ आप लोग ने कर लिया होगा लेकिन फिर भी चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ देखिए लिखा है सब म्यूज़ियम देखने लगे या हर किस्म की चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे और गैलरियाँ बनाई गई थी एक गैलरी में मुजस्मे दूसरे में कीमती पत्थर तीसरे में बर्तन वगैरह है एक कमरे में सालारे जंग की जतीी अशिया भी नुमाइश की गई थी इसमें उनको पेश किए जाने वाले तमगे जरदोजी की शेरवानियां खूबसूरत मुसंद हैं इसी कमरे में सालारे जंग सोम मीर यूसुफ अली ख़ान की एक बड़ी तस्वीर भी है साथ ही नवाब साहब के कपड़े किताबें फ़र्नीचर और दीगर अशिया भी देखी जा सकती हैं म्यूज़ियम में दूसरी या तीसरी सदी का गौतम बुद्ध का मुजसमों और मुख्तलि मजाब के देवी देवताओं की पत्थर कांसे और लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ भी मौजूद हैं इनके अलावा इटली जर्मन और फ्रांस से ख़रीदे गए कुछ मशहूर मुजस्मे भी हैं ठीक है ठीके? तो ये था आपका इकतबास अब इसमें पहला सवाल आपको लिखा है म्यूजियम की किस गैलरी में कीमती पत्थर हैं ठीक है दर्ज़े में अब आपको ऊपर से देखना है तो अभी आपने देखा कि दूसरी में कीमती पत्थर थे तो किस में थे दूसरी में तो इसका सही जवाब क्या हो गया दूसरी चलिए आगे आ जाइए अगला सवाल लिखा है दर्ज़े में तीन चीज़ों की सिफत यानी खूबी बयान की गई है ठीक है उनमें से एक चीज़ तलाश करके लिखिए जिसकी सिफत बताई नहीं गई है तो देखिए यहाँ कीमती पत्थर ये भी ठीक है खूबसूरत मौसन ये भी ठीक है बड़ी तस्वीर ये भी ठीक है लेकिन जरदोजी की शेरवानी इसमें कोई भी सिफत नहीं है ठीक है कोई भी खूबी नहीं है इसमें ठीक है आगे लिखिए यहाँ यहाँ आपका लिखा हुआ है स्वयं की क्या मायने हैं तो बेटा आपको पता है स्वयं जो है वो तीन से बना है ना सोम से ठीक है सोम मतलब क्या होता है तीन आगे लिखा है गौतम बुद्ध का मुजस्मा किस सदी का है तो किस सदी का है तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि ये दूसरी या तीसरी सदी का है अगला सवाल लिखा है म्यूजियम में किन मुल्कों के मशहूर मुजस्मे हैं तो भी आपने पढ़ा इटली जर्मन और फ्रांस ठीक है आगे आ जाइए अब देखिए ये आपका क्या है ये भी आपका गैर दर्सी अक़बाज है ठीक है इसे आपको पढ़ना है सवाल देने हैं पाँच नंबर का है अब यहाँ क्या लिखते हैं लिखते हैं बरसात का बज रहा है डंका एक शोर है आसमान पे बर्फा पानी से भरे हुए हैं जल थल है गूंज रहा तमाम जंगल करते हैं पपी है पीहू पीहू और मोर चिंगारते हैं हर सू कोयल की है कुक जेल उभाती गोया के है आ, गोया के है दिल में बैठी जाती मेंढक जो हैं बोलने पे आते संसार को सरापा है उठाते ठीक है अब देखिए यहाँ पे अकतेबास में लिखा है कि अकतेबास में कितने परिंदों के नाम आए हैं तो तीन परिंदों के नाम आए हैं परिंदे देखिए एक आपका आया है पपीहा ठीक है एक आया है मोर और तीसरा आया है आपका कोयल तो तीन परिंदों के नाम आए हैं इसके बाद लिखा है जंगल गूंजने की क्या वजह है तो जंगल क्यों गूंज रहा है क्योंकि देखिए सब तरफ क्या है पानी भर चुका है है ना इसीलिए पूरा जंगल क्या है गूंज रहा है ठीक है आगे आ जाइए अगला सवाल लिखा है संसार को सर पर उठा कौन उठा लेता है तो भी अपने पढ़ा मेंढक जो है ना वो बोल बोल कर संसार को सर पर उठा लेता है अगला सवाल देखिए लिखा है बरसात में आसमान का क्या हाल हुआ होता है तो बरसात आ, बरसात में आसमान पे क्या होता है डंका बज रहा होता है एक शोर बरपा होता है ठीक है अगला सवाल लिखा है कोयल की कोक दिल में क्यों बैठ गई क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है है ना जी को लुभाती है इसलिए वो दिल में बैठ गई ठीक है तो उम्मीद करती हूँ ये बातचों भी आपने सही से कर ली होंगे अब क्योंकि देखिए बेटा ये दरसी अकते है तो मुझे नहीं लगता इसे पढ़ाने की ज़रूरत है ये आप लोग ने पढ़ ली होंगे और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग ने कर ली होंगी ठीक है चलिए अब ये आप लोग देख लीजिएगा इसमें आ, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आ, थिंकिंग बेस्ड हो जो मैं आपको करा दूँ बाकी क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके उसी से लिए गए हैं ठीक है अब जैसे यहाँ लिखा है ये आपका के जलवा दरबार दहली जो है ये किसका शायर इसके शायर कौन है तो आपने पढ़ा है दी है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अच्छे अच्छों से क्या मुरादे अच्छे अच्छों से मुरादे बड़े बड़े लोग ठीक है ठीक है बाकी सारी आप लोग ने देख देखने होंगे अब आ जाते हैं हिस्सा बी पे सेक्शन बी पे जो आपका क्या है राइटिंग स्किल का है इसमें से किसी एक पे आपको लिखना था ढाई सौ से तीन सौ लफ्ज़ों में क्योंकि ये दस मार्क्स का था ठीक है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम आपने किस में लिखा है मतलब आलूगी पर लिखा है या वक्त की अहमियत पे या मेरा पसंदीदा खेल पर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा है स्कूल में इजाफ़ी क्लासों के लिए इंतज़ाम किया जाए ठीक है यानी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दी जाए या फिर आपने बहन की शादी के लिए ख़त लिखा है और सॉरी बहन को तालीमी सरगर्मियों के बारे में बताते हुए लिखा है कि भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ठीक है जो जो भी आपने किया है उम्मीद करती हूँ आपने सही किया होगा आपको पैटर्न पता होगा अगर आपने पैटर्न फॉलो किया है फिर अंदर अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो भी आपको दो तीन नंबर मिल जाएंगे ठीक है उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें आपने सही की होंगी इसके अलावा देखिए कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा दी थी कि हिस्सा नसर से या हिस्सा नज़म से कौन से शायर या कौन से मुसनफ़ आ सकते हैं उसमें अलताफ़ हुसैन हाल ही हमने किया था कि कब कहाँ पैदा हुए थे है ना कैसे उनकी वफ़ात हुई थी क्या क्या उन्होंने लिखा था क्या उनकी ख़ूबियाँ थी कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोग ये चीज़ें बहुत अच्छे से कराए होंगे है ना इसके बाद लिखते हैं भोला या मंगू कोचवान के किरदार पर नोट लिखिए है ना तो ये भी आपको मैंने बताया था कि भाई मंगू कोचवान कैसा इंसान था कौन था है ना किस अफसाने का ये किरदार है या भोला किस अफसाने का किरदार है ठीक है तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे उम्मीद करती हूँ चीज़ें आप अच्छे से करिए आए होंगे और वैसे भी इन दोनों में से कोई एक करना होगा ठीक है तो आपने कौन सा किया ये आप लोग मुझे बताएंगे कॉमेंट करके अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ असगर साहब के बारे में आया था असगर गोंडवी के बारे में आया था नहीं तो यहाँ लिखा था ओ देश जो आपका देश से आने वाले बता इसका खुलासा ठीक है तो देखिए खुलासा मरकज़ी ख्याल ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं है ना और मैंने आप लोगों को ये करवा दिया था कि भई वो देश से आने वाले में नज्म के जो खुलासा है उसमें इतनी सी बात की गई है कि भैया जो एक इंसान ऐसा है जो बेचारा परदेस में है है ना जो अपने वतन से दूर है तो वो और एक इंसान ऐसा है जो अभी अभी वतन से परदेश आया है तो क्या कर रहा है वो उससे पूछ रहा है कि भाई हमारा देश कैसा है है ना वहाँ के लोग कैसे हैं आबो हवा कैसी है यही सारी बातें आपको इसमें लिखनी थी उम्मीद करती हूँ आप लोग ने कर लिया होगा इसके बाद अगला अफसाना आपका अंदाता है या फिर खाका है जिगर साहब का इन दोनों में से किसी एक का ख़ुलासा करना था ठीक है अगर आप ये ऑप्शन करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक करना था ठीक है और अगर आपने प्रेमचंद चंद करा है तो प्रेमचंद या फिर आपको मौलविला अब्दुल हक के बारे में करना था ठीक है तो उम्मीद करती हूँ इनमें से भी आपने कोई ना कोई कर ही दिया होगा अगर कोई कन्फ्यूजन है कोई डाउट है या कुछ गड़बड़ करके आए हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोई डाउट हो अगर आपको कि भाई मैम हम ऐसे लिख के आए थे या इसका आंसर ऐसे लिखना था अगर कोई बात हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं अदरवाइज़ इसमें कुछ खास बात नहीं थी अनदाता जो आपका अफसाना है उसका आपको खुलासा करना था कि उसमें क्या कह रहे हैं ठीक है या फिर जिगर साहब वाला जो आपने खाका पढ़ा था उसको आपको एक्सप्लेन करना था ठीक है आगे आ जाइए अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की यहाँ पे आपको क्या होता है देखिए ऊपर जितने क्वेश्चंस थे अगर आप उसमें थोड़ा बहुत लिख के आए हैं उससे मिलता जुलता तो कहीं ना कहीं आपको एक आध नंबर मिल ही जाएगा है ना लेकिन एम का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर देंगे तो फुल मार्क्स दे जाएंगे अदरवाइज़ आपको बिल्कुल जीरो अंडा मिलेगा है ना तो इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं देखते हैं आपने कितने सही करे सवाल नंबर दस से आपके शुरू होते हैं एमसीक्यू तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कितने सवाल आप सही करके आए हैं और कितने गलत पहले बात करते हैं फेल की तो आप सब जानते होंगे फेल किसे कहते हैं वर्ब को कहते हैं ना वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग फेल कहते हैं ठीक तो इसमें क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी जैसे ही मैं कहूँ भैया क्रिया कहा जाता है तो आपको पता चल गया होगा कि भाई मैम इसका मतलब होता है कि कोई काम करना होना ये चीज़ें ज़ाहिर हो है ना तो इसकी ना बहुत सारी किस्में होती हैं अलग अलग लिहाज से ठीक तो आप कहते हैं यहाँ पे आपको फ़ेल मुतादी फ़ेल नाक़ और फ़ेल मरक्ब ठीक है इसके मिसालें नीचे दी गई हैं अब आपको बताने हैं कि तीनों में से कौन सी किसकी मिसाल है तो पहला लिखा है डॉक्टर मरीज़ को, तो मरीज को देख रहा है तो देखिए इसका असर डॉक्टर के अलावा किस पे पड़ रहा है मरीज़ पर भी पड़ रहा है है ना डॉक्टर किसको देख रहा है मरीज़ को देख रहा है तो ये वाला जो होता है ये होता है आपका फ़ेला मुतादी ठीक है आज मैं बहुत खुश हूँ ठीक है बेटा पता है ये आपको पता होना चाहिए जो आपकी बुक है ना उर्दू कवायद और इंशा शाह वहाँ से इट इज़ ये क्वेश्चन उठ के आया मतलब उन्होंने ना सीक्वेंस भी चेंज नहीं कराया ये वन टू थ्री ही है और ये एज इट इज़ है इसके ऊपर एक और था वो इन्होंने नहीं दिया यह टू थ्री फोर तीन दिए हैं आपको तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा और इसमें आपने कोई गड़बड़ नहीं की होगी लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप गड़बड़ करके ज़रूर आए होंगे ठीक है यहां लिखा है मैं आज बहुत खुश हूं देखिए एक चीज देखिए यहां देख रहा है तो ये क्या है आपका फेल है खुश हूं हूं क्या है फेल है बोलते चले गए चले गए ठीक है यहाँ दिखे दो फेल है तो कहते हैं कि जब फेल का असर फाइल तक महदूद ना रहे दोनों पे पड़े ठीक है तो उसे फेल मुतादी कहते हैं ये वाला हो जाएगा फेल नाक़ तो उसे कहा जाता है जिसमें हमें मामला क्लियर ना हो ठीक है पूरी बात वजाहत के साथ पता ना चले मैंने कहा मैं आज बहुत खुश हूँ क्यों खुश हूँ आपको नहीं मालूम ठीक है फेल मरक्ब होता है जिसमें एक से ज़्यादा फेल आ जाएँ ठीक है बोलते बोलते भी एक फ़ेल है और चले गए ये भी एक फ़ेल है ठीक है अब देखिए यहाँ लिखा है वो कलमा जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो वो सॉरी वो काम जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो उसे क्या कहते हैं तो आपको पता है मौजूदा वक्त में हो रहा है तो फेल हाल है अगर गुजरे हुए ज़माने में हुआ तो फेल माजी अगर आने वाले ज़माने में होगा तो फेल मुस्तबिल ठीक है आगे आ जाइए अब यहाँ लिखा है जिस फेल का फाइल मालूम हो ठीक है अगर फाइल मालूम होगा तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा लाएगा फेले मारूफ क्या कहलाएगा फेल मारूफ ठीक है आगे आ जाइए अब यहाँ पे आपको कुछ इल्मे बयान और इल्मे बदी से मुत सवाल दिए गए हैं देखिए अगर आपको इल्मान और इल्मे बदी सनाए लफ्ज़ी ये सब चीज़ें पढ़नी है सनत वगैरह पढ़नी है तो आपकी जो उर्दू इंशा उर्दू इंशा और कवायद की जो बुक है ना उर्दू कवायद और इंशा करके सी बी एस सी की तरफ से एन सी आर टी की बुक जो चलती है ठीक है वो बुक पूरी आपको कराई जा चुकी है उसकी प्ले लिस्ट भी है है ना आप ठीक है अब आपका इंशाल्लाह शेंथ हो जाएगा अल्ला चाह तो लेकिन एलैन ट्वेल्थ में अगर आप उर्दू लेते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए सनत वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा ठीक है आगे आ जाते हैं अब यहाँ देखिए पहला लिखा है इस शेर को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है सवाल कहते हैं पहला इस शेर में किस चीज़ को तशबी दी गई है तो किस को दी गई है लब को दी गई है ठीक है किस चीज़ से दी गई है तो गुलाब की पंखुड़ी से दी गई है वजह तशबी क्या है वजह तशबी है नाजुकी किसकी बिना पर हम तशबी दे रहे हैं नाजुकी की बिना पर ठीक है भई नाजुक न है किसके मानंद नाजुक है गुलाब की पंखुड़ी के ठीक है किसी बात को पोशीदा रख कर कहने या मुखफी इशारे करने को क्या कहते हैं तो उसको किनाया कहा जाता है ठीक है आगे आ जाइए यहाँ पे अगला लिखा है जेल में से तलमी किसे कहते हैं देखिए तलमी मैं आपको हज़ार मरतबा बता चुकी हूँ किसी मशहूर वाक़े की तरफ़ जब इशारा किया जाता है तो वो तलमी होता है ठीक है अगला देखिए यहाँ लिखा था मुहावरे और कहावतों से मुतालिक सवाल थे तो कुछ मुहावरे और कहावतें नीचे दी गई हैं इनको आपको क्या करना था इनमें से चार को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना था उम्मीद करती हूँ आप लोग ने कर लिया होगा इसके बाद अगर हम बात करें या लिखा है जेल में से किसी एक के पीछे कोई वाक़ या कहानी होती है तो बेटा वाक़ या कहानी जो है ना वो कहावतों के पीछे होती है ठीक है जब कोई कहावत बनती है ना तो वो किसी ना वा किसी वाक़ किसी कहानी को लेकर ही बनाई जाती है इसके बाद अगर हम बात करें तो लिखा है जेल में तीन जुमलों पर गौर कीजिए और बताइए कि जिस में मुहावरा इस्तेमाल हुआ है तो देखिए माया खुश हो गई तो देखिए खुश हो गई तो एक जर्नल बात है ना मैं बहुत खुश हो गई इसमें कोई मुहावरा नहीं है ठीक है लेकिन अगर मैं बताऊँ यहाँ पे मुँह ना ठीक है मुंह बिसने में जो है मुहावरा इस्तेमाल हुआ है बाकी उसने कहा बाबा मेरी कहानी मेरी कहानी तो इसमें न, कोई मुहावरा नहीं है सिर्फ मुहावरा जो इस्तेमाल हुआ है वो दूसरे वाले में हुआ है ठीक है अगले सवाल पे आ जाइए रमूज़ और औकाफ़ के सवाल हैं पंचुएशन मार्क्स जिसे हम कहते हैं इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे वीडियो बनाई जा चुकी थी पता नहीं आप लोग ने देखा या नहीं देखा एग्जाम से पहले तो आप लोग एक दिन पहले तो तैयारी शुरू करते हैं है ना उर्दू आप जिसे बहुत हलवा समझते हैं ना वो हलवा है नहीं वो भी उतनी ही मुश्किल है जितनी दुनिया की और ज़बानें मुश्किल है ठीक है चलिए आ जाइए यहाँ लिखा है वो निशान बनाइए जो जुमले में हैरत का इजहार करने के लिए बनता है तो देखिए हैरत का इजहार करने के लिए हम इस तरह से डंडा खींच के ना उसके नीचे डॉट लगा देते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं फजाइया कहते हैं ठीक है थीके? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने सही लिखा होगा इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है उस अलामत को क्या कहेंगे जो किसी शख्स या बात की तफसील बताने के लिए लगाई जाती है तो उसे रापता कहते हैं ठीक है तो उम्मीद करती हूँ ये सब आपने सही कर लिए होंगे इसके बाद अगला सवाल लिखा था इसमें आपको बताना था कि द जजेल शेर में काफ़िया क्या है तो आपको पता है रदीफ़ किसे कहते हैं रदीफ़ वो होता है जो रिपीट अल्फाज होते हैं है ना? यानी जैसे लिखा है ना न हुआ ठीक है या ये ना हुआ ये क्या ये आपका रदीफ़ है और रदीफ़ से जस्ट पहने आ, पहले आने वाला जो लफ्ज़ होता है जो सेम आवाज़ पे ख़त्म होता है है ना उसको हम क्या कहते हैं उसे काफिया कहते हैं तो इसमें दवा ठीक है और बुरा ठीक है ये जो दो है ना ये दोनों आपके क्या है काफिए हैं ठीक है आगे आ जाइए गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं तो आप सब जानते हैं गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे आ, मैंने आपको लास्ट टाइम जो रिवीजन था उसमें करवा दिए थे है ना कहानी सुनते वक्त जो भोला था वो खुश क्यों नहीं था तो आपको पता है वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं दिन में कहानी सुन रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो मामू रास्ता भूल जाए है ना मंगू कोचवान को अंग्रेज़ों से नफरत क्यों थी तो क्योंकि जो को, जो अंग्रेज़ थे वो उसके साथ बुरा सलूक करते थे इसलिए उसे नफरत थी ठीक है सलमा और किशन कंवर की मिशन कसने का क्या सबब था ठीक है तो क्या सबब था ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके है ना अब यहाँ लिखा मखलूत जो ज़बानें हैं उनका क्या मतलब है ये सब मैंने आपको कल पढ़ाए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनस में ठीक है अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ज़ौक के इस शेर का मतलब क्या है लाई हयात आए कज़ा ले चली चले अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले ये जब मैंने आप लोगों को ग़ज़ल की और नज़म की तशरी और मरकज़ी ख्याल बताए थे तब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की थी मैंने तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोग लिख के आ गए होंगे अब यहाँ लिखा है शाह अजीम आबादी की गज़ल में नायाब है हम का क्या मतलब है ये भी मैंने आपको बताया था नायाब कमयाब इनमें क्या डिफरेंस है क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ नज्म गर्मी और देहाती बाजार में शायर ने किस तरह का मंजर निका बताया है पेश किया है ये भी आपको बताया था कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है उसके बावजूद बाजार में कितनी चहल पहल है इस चीज़ को ही दिखाया है जोश मलियाबादी ने इसके बाद लिखा है नज़म ओ देश से आने वाले बता कि शायर ने वतन से आने वाले शख्स से कई सवाल किए हैं इन में से कोई दो सवाल बताइए तो क्या क्या सवाल किए थे वहाँ का माहौल कैसा है मौसम कैसा है यही सारे सवाल आते हैं है ना आगे आ जाइए अब यहाँ लिखा है गिल्ली डंडे को खेलों का राजा क्यों कहा गया है तो आपको पता था कि भाई यही एक ऐसा खेल है जो हमारे वतन का है है ना बाकी तो बाहर से आए हुए हैं ठीक है अफसाना दो फ्रांग लंबी सड़क में बड़े आदमियों के इस्तेमाल के लिए क्या मंजर बताया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो रोड वगैरह है वो सब सजा दी जाती हैं साफ कर दी जाती दी है झंडे वंडे लगा दिए जाते हैं छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म पहना कर खड़ा किया जाता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसके बाद लिखा हुआ है अनदेवता जो आपका है अफसाना उसके मुशनफ़ ने काल का जिम्मेदार किसको ठहराया था और क्यों ठहराया था है ना तो पहले तो वो अनदेवता को ही ठहराता है लेकिन बाद में वो किसको बताता है सरमायादारों को बताता है है ना इसका लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने नूर खान को गले का लाल क्यों कहा है? ये सारी चीज़ें ए टू जेड हमने डिस्कस की थी उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से करके आ गए होंगे ठीक है इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अफसाना ग़ज़ल या नज़्म इन में से कोई एक ज़रूर आएगा और देखिए यहाँ तीनों ही आ गए हैं तीनों में से कोई एक आपको करना है तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें भी आपकी क्लियर होंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं हाँ ये बात ठीक है कि कुछ चीज़ें आप लोग भूल गए होंगे कुछ चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो गई होंगी है ना लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे और 90 प्लस आपके मार्क्स रहेंगे अल्लाह जहा तो है ना ओवरऑल चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर कैसा करके आए हैं क्या रहा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताए थैंक यू फॉर वॉचिंग